हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेस्टीज ओमेगा डिलक्स ग्रेनाइट पैन। इस ग्रेनाइट पैन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, इसके ऊपर का स्टिकर कैसे निकाले कम्प्लीटली, क्योंकि आधा ही निकलता है हर बार, और ये ग्रेनाइट पैन को सीजनिंग कैसे करेंगे, और इसके ऊपर मैं आपको एक ऑयल फ्री रेसिपी भी दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, माय होम माय किचन। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रेस्टीज ओमेगा डिलक्स ग्रेनाइट पैन। ये मैंने अमेजोन से परचेज किया हुआ है। अगर हम इस बॉक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ड्यूरेबल ग्रेनाइट फिनिश कोटिंग है, सुपीरियर नॉनस्टिक सरफेस है, POF फ्री है, और टू लेयर मेटालिक फिनिश है एक्सटीरियर में, डिश वॉशर सेफ है, और गैस और इंडक्शन दोनों पे भी चलता है। और ये फ्राई पैन की साइज़ अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ये 240 mm का है। और एक इसका अच्छा है कि इस ग्रेनाइट पैन पे हम लोग मेटल के स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेटल स्पून फ्रेंडली है और इसे 2 ईयर्स की वारंटी है। ये गैस इंडक्शन ये सब पे चलता है। अगर साइड पे देखेंगे तो इसका प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये देखिए यहाँ पे 1060 इसका प्राइस है और मैन्युफैक्चर ईयर June 2021, पर मुझे जब डिस्काउंट था तो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमें इसे बॉक्स से निकालना है और देखते हैं कि ये फ्राई पैन कैसा है। ये देखिए फ्रेंड, ये उसके साथ आया हुआ यूज़र मैनुअल है कि हम लोग ये पैन कैसे यूज़ करें, इसके ऊपर पॉइंटेड चीज़ें नहीं यूज़ करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो किया था, वो प्रेस्टीज का ग्रेनाइट की कढ़ाई थी, वो भी लास्ट में 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, पर मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए मैंने ये फ्राइंग पैन भी ख़रीद लिया, क्योंकि उसके ऊपर अपना नॉर्मल स्पून चलते हैं, यूज़र सो मेटल स्पून फ्रेंडली है। अभी ये देखिए, ये है हमारी ग्रेनाइट का पैन, इसके ऊपर ग्रेनाइट फिनिश कोटिंग दिया गया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके ऊपर स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्रेनाइट फिनिश कोटिंग दिया गया है तो बिल्कुल स्क्रैचेस नहीं आएंगे इसके ऊपर। ये डिश वॉशर कंपैटिबल है और इसे 2 लेयर मेटेलिक फिनिश दिया गया है। अगर इसका थिकनेस देखेंगे, ये साइड पे दिखाई देता है तो अच्छा खासा थिकनेस दिया गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, और ये गैस और इंडक्शन दोनों पे भी चलता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसका बैक साइड देखेंगे, अभी जो भी हम कढ़ाई लेते हैं, पैन नए जो भी लेते हैं, वो इंडक्शन पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो प्रेस्टीज का ये सब मेंशन किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जब पैन मैंने बॉक्स से निकाला तो इसका हैंडल पहले से फिट किया हुआ था। कई बार ऐसे रहता है कि पैन और हैंडल अलग अलग रहते हैं, हमें फ़िट करना पड़ता है, पर इसका हैंडल फिट किया हुआ था और अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हमें ये स्टिकर निकालना है। स्टिकर निकालना है, हाथ से निकाल सकते हैं, पर निकालते वक्त क्या होता है, आधा टूट जाता है, वहीं पे रह जाता है, तो हम लोग इसे अभी गैस पे रखेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखिए, और तवा जब गर्म हो जाएगा 1-2 मिनट में तो वो स्टिकर अपने आप निकल आता है। देखिए, ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट में अपना ये स्टिकर पूरा निकल आता है। तो अभी हमें इसे क्लीन करना है। मैं यहाँ पे स्पंज का स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने लिक्विड सोप डाला है। आपके पास जो भी सोप अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से अभी हम लोग क्लीन करके लेते हैं। फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्लीनिंग सीजनिंग ये सब प्रॉपर ज़रूरत रहती है फर्स्ट टाइम के लिए। अभी मैंने ये धो के लिया है, अभी हमें इसे कम्प्लीटली ड्राई करना है। मैंने ड्राई करने के लिए किचन का अपना जो टॉवल रहता है वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास पेपर नैपकिन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें तवे को सीजनिंग करना है। सीजनिंग के लिए तवा हम गैस के ऊपर रखेंगे, गैस का फ्लेम लो रखिए, और उसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल डाल दीजिए, और ये ऑयल ब्रश से पूरे तवे पे अच्छे से लगा लीजिए, और गैस का फ्लेम लो ही रखिए। तवा गर्म होने के लिए 2 से 3 मिनट लगते ही है। इसमें से स्मोक आना स्टार्ट हो जाएगा तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अपना किचन टॉवल या पेपर नैपकिन से इसे क्लीन कर दीजिए। तो हमारा ये अभी तवा रेडी है कुकिंग के लिए। अभी फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं आपको एक ऑयल फ्री रेसिपी बना के दिखाऊंगी, पोहा कटलेट। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पोहा लिया है, और मैंने अपना जाड़ा पोहा रहता है वही लिया है, और 1/2 कप पानी। इसे हमें भिगो के रखना है 5 मिनट के लिए। इसे पहले अच्छे से मिक्स करके लीजिए और 5 मिनट के लिए इसे भिगो के रखना है। फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट के बाद हम लोगों ने जो भिगो के रखा पोहा है उसे हमें बड़े बाउल में निकालना है। यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए आलू स्मैश करके लिए हैं। अभी इसमें हमें 1 टेबलस्पून दही डालना है। मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन बारीक कट करके लिया है, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, और नमक स्वाद अनुसार।
हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, अगर आपको ग्रीन चिली पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, और हर हल्दी, और यहाँ पे मैंने धनिया काट के डाला है। इसमें जितना डालोगे वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यह भी अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए आप, क्योंकि हम लोगों ने पोहा पहले से ही भिगो के रखा था और आलू ये सब अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड, अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया। अभी इसके हमें कटलेट्स बनाना है। अगर आपके पास कटलेट के लिए वो कटलेट कटर हो तो आप वो यूज़ कीजिए, नहीं तो मैं अभी यहाँ पे राउंड शेप में अभी मैं कटलेट्स कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बहुत झट से हो जाता है। ब्रेकफास्ट के लिए हो या इवनिंग बच्चों के लिए स्नैक्स के लिए बनाए तो बहुत झट से बन जाता है। ये अभी मैंने सभी बना के लिया है। अभी मैं तवे पे ये एक एक करके रख रही हूँ। मैं तवे पे बिल्कुल ऑयल नहीं डाल रही हूँ, हम लोग ऑयल फ्री बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड, अभी इसे बनने के लिए एक 5 मिनट तो लगते ही है। इसे ढक के रखिए और एक 3 मिनट के बाद उसे पलटना है। तो हम यहाँ पे ऑयल नहीं यूज़ कर रहे हैं और गैस का फ्लेम पूरा लो रखिए, नहीं तो क्या होता है बाहर से जल्दी पक जाते हैं पर अंदर से नहीं पकते। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी ये फ्रेंड्स हमारे पोहा कटलेट्स रेडी है। अभी मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर आपको ऑयल डालना है तो डाल सकते हैं, पर इस तवे पे मुझे ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे ये पोहा कटलेट्स रेडी है। आप सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।